हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज तो 6 जून 2019, तो आज एक्चुअली मैं घर से बहुत दूर आ चुका हूँ ऑलरेडी। मैं अभी हावड़ा में डुमुरजला स्टेडियम के पास ही हूँ, एंड इधर से मैं हुगली ब्रिज होके पाटुली जाने वाला हूँ। तो चलो, आप लोग देखते रहो एंड एंजॉय करते रहो। कल जब वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे मालूम चला यार, साउंड तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब काम चल जाएगा। तो अभी के लिए तो मस्त है, साउंड का कोई इशू नहीं है। तो अभी हुगली ब्रिज को एंजॉय करो एंड उसके बाद थोड़ा बातें करते कैसे आपको पाटुली जाना है। एंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर बहुत ही अच्छा एक फ्लाईओवर है, माँ फ्लाईओवर, उसके ऊपर से हम लोग जाएंगे। ये बस ऐसे ही रुक जाते हैं और हम लोग को भी बहुत तकलीफ होता है, आगे क्यों नहीं जाते हो, सिग्नल पे आके रुक जाना का कोई मतलब है? इससे क्या होता है ना, हम लोग जो पीछे रहते हैं ना वो तो ऐसे ही रुक गया। इस ब्रिज के बारे में पहले मैं एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। पहले बाइकों के लिए टोल लिया जाता था 5 रुपये, तो अभी वो फ्री कर दिया गया है, एंड 4 व्हीलर के लिए 10 रुपये होता है, बाइकों के लिए टोटली फ्री। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। कोशिश करता हूँ आज ही एडिट करने का एंड कल मॉर्निंग में ये वीडियो आपको मिल जाना चाहिए। शेड्यूल कर दूंगा एंड वेलकम टू विवेकानंद। बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं ये वीडियो के एंड में कल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर दूंगा। तो वीडियो देखते रहिए एंड आप लोग को अगर पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, लाइक करने बिना नहीं जाना। एंड आगे है स्पीड मेजरिंग मीटर जो बोल सकते हो, वो देख सकते हो योर स्पीड। तो अभी मुझे समझ में नहीं आता ये सच में काम करता है या नहीं, बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, मेरे सामने ही कितना बाइक जाता है। एंड इसके ऊपर से मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं आई बटन में दे रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ क्या होता है ना, उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट ऐसा है, जैसे कि मैं ऑलरेडी, ऐसा एक बंदे ने कहा है कि मैं ऑलरेडी इसे इतना स्पीड में गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे भी कुछ डाउट सा लगता है, स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए ही है, मगर उसमें आप लोग अगर ज़्यादा स्पीड ले लेते हो उसके ऊपर ये लोग क्या एक्शन लेता है, कैसा प्रोसीड्योर है, उसे थोड़ा मतलब ठीक करना चाहिए, तभी प्रॉपर जो ट्रैफिक रूल्स है सभी फॉलो करेगा, नहीं तो ज़्यादातर कुछ भी नहीं करता है कोई। ओके, अभी तो कोलकाता में ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ एंड अभी और एक एक्साइटिंग सा ब्रिज से जाने वाला हूँ जो कि है माँ फ्लाईओवर। तो माँ फ्लाईओवर अभी इधर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, मगर ट्रैफिक के कारण टाइम लग सकता है। टाइम अभी हो चुका है 9:47, पूरा ट्रैफिक जाम है सामने, धीरे धीरे सब जा रहा है। तो हम लोग को जाना है सीधा, तो अभी तो सिग्नल पूरा ब्लॉक है एंड ये और मेरे राइट साइड पे जो है बिल्डिंग वो है पीजी का, पीजी जनरल हॉस्पिटल। एंड ये जो यहाँ से जो ब्रिज चालू होता है ना, ये इस ब्रिज का यहाँ से जो नाम है एजेसी बोस रोड फ्लाईओवर। एंड मेरे अभी लेफ्ट साइड पे है विक्टोरिया मेमोरियल, तो आप देख सकते हो। ओके, जो ब्रिज है ये है अभी एजेसी बोस रोड ब्रिज। तो अभी माँ फ्लाईओवर कहाँ से चालू होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर आपको इस बीच से सियालदह जाना है तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, तो कुछ दूर जाने के बाद सियालदह आ जाएगा। अभी तो हम लोग को जाना है पाटुली, तो इसके लिए ये बीच काफ़ी असरदार है, बिकॉज पहले क्या होता है ना, बीच नहीं था तो बहुत ट्रैफिक जाम होता है नीचे जो रोड है उससे जाने में। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसमें सबसे मेन खासियत है ये ब्रिज, ये ब्रिज बहुत ही जल्दी आपको पाटुली ले जाएगा। एंड देख सकते हो ये ब्रिज यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, अभी तो पार्क सर का सामने है, अगर लेफ्ट लेके आप नीचे उतर जाओगे तो पार्क सर्कस आ जाएगा, एंड यहाँ से माँ फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ्लाईओवर तकरीबन कितना किलोमीटर होगा देखते हैं, प्रॉपर मुझे मालूम नहीं है कि ये कितना किलोमीटर है, मगर बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक मतलब अप टू साइंस सिटी तक ये माँ फ्लाईओवर जाता है। मौसम तो यार बहुत अच्छा है, बिकॉज काफ़ी ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना दिन गर्मी सहने के बाद बारिश आने का बहुत लोग इंतज़ार भी करते हैं। अभी तक तो बारिश का मौसम प्रॉपर नहीं आया, दो तीन दिन बारिश ऐसे ही होगा जो मौसम विभाग है वो लोग बता रहा है, तो देखते हैं कब तक रहता है। तो ये फ्लाईओवर अभी ख़त्म होने को है। ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो ये है साइंस सिटी, अगर साइंस सिटी घूमने आते हो तब भी ये फ्लाईओवर लेके आ सकते हो, काफ़ी अच्छा जगह है। एंड पाटुली के लिए मुझे राइट लेना पड़ा एंड इस बीच पे जाना पड़ा, अगर मुझे शॉर्ट लिक की तरफ जाना होता है ना तो मैं वो रोड पकड़ लेता, तो काफ़ी आसानी हो जाता है ये ब्रिज के लिए। एंड जाने का टाइम भी बहुत ईजी है, ये सेम ब्रिज है एंड उससे आप तकरीबन जहाँ से मैंने ब्रिज पकड़ा वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है। आप ये होटल देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगने वाला है एंड बहुत ही ऊंचा सा बिल्डिंग के ऊपर सब पेड़ पौधे सब लगाया गया है एंड ऊपर एक स्विमिंग पूल भी है। अच्छा भी लगेगा एंड बहुत प्यारा लगेगा दूर से जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी काम चल रहा है। तो गोड़िया है 10 किलोमीटर, तो तकरीबन हम लोग को गोड़िया से पहले ही रुक जाना है पाटुली। तो पाटुली में और एक वीडियो बनाया था जो फ्लोटिंग बोट्स होता है ना, वहाँ पे एक मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट बोल सकते हो, तो उस जगह पे उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग अगर नहीं देखे तो मैं आई बटन पे दे देता हूँ। एंड ये रोड काफ़ी खाली खाली सा रहता है एंड ट्रैफिक अगर फॉलो नहीं करोगे ना इस रोड पे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इस रोड का अगर एक भी सिग्नल आप क्रॉस कर जाओगे ना तो आपको आगे ज़रूर पकड़ लेगा, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट इसे देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है। तो इसीलिए अगर इस बीच में इसीलिए अगर इस रोड पे कभी आते हो तो ट्रैफिक रूल का ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर बहुत लंबा हो गया तो मैं काट काट के छोटा बना दूँगा, नहीं तो इतना लंबा ब्लॉग आजकल कोई नहीं देखता है। ये जो मोड़ है ना, इस मोड़ का नाम है रूबी, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है रूबी जनरल हॉस्पिटल, तो उसी नाम से इस मोड़ का नाम पड़ गया है रूबी मोड़। तो ये काफ़ी एक बिजी सा जगह है, बहुत ट्रैफिक रहता है एंड इसी रोड से आपको जाना है सीधा, उसके बाद आएगा पाटुली, अभी एक ब्रिज आएगा उसके बाद ही एक्चुअली पाटुली आ जाता है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो है ना मैं हर वीडियो के एंड में दे दूंगा। जो कल का क्वेश्चन था ज़्यादातर सिरामिक कोटिंग के लिए, तो सिरामिक कोटिंग मेरे ध्यान में जितना है
मैंने ऑलरेडी परचेस करने का सोचा था एंड सिरेमिक कोटिंग ज़्यादातर मेटल पार्ट के लिए बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक पार्ट के लिए, प्रॉपर प्लास्टिक पार्ट के लिए ना सिरेमिक कोटिंग मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल जाता है तो मैं ऑर्डर करने के बाद फिर मैं अप्लाई करूँगा मेरे बाइक पे, ठीक है। एंड देखता हूँ सिरेमिक कोटिंग अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर करूँगा। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि मेरा गियर शिफ्टिंग में कोई इशू आ रहा है या नहीं। देखो यार, हर एक बाइक का अलग अलग किस्सा होता है, तो किसी बाइक में ये, किसी बाइक में वो। तो मेरे किस्से में मेरा गियर शिफ्टिंग अभी तक तो स्मूथ चल रहा है। जो किलोमीटर है 5200 समथिंग किलोमीटर चल चुका है एंड गियर शिफ्टिंग मेरा काफ़ी स्मूथ है। अगर आपके बाइक का गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है तो आप सर्विस सेंटर में जाओ। एंड क्या होता है ना, ज़्यादातर सर्विस सेंटर में कोई कोई बंदा ट्रेन होता है एंड मतलब कभी कभार काम सही से हो पाता है, कभी कभार काम सही से नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ये देखो मेरा गियर शिफ्टिंग कैसा है, ये कितना स्मूथ है ना। तो ये देखो न्यूट्रल पे भी आ गया, गियर शिफ्टिंग का कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। एंड और क्या क्या क्वेश्चन है देखने का तो टाइम नहीं है बिकॉज अभी ट्रैफिक सिग्नल चालू हो गया। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ। रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए भी एक क्वेश्चन आया था कि उसका एक रिव्यू बनाओ। तो आज का ब्लॉग देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मैं कोशिश करूँगा रॉयल एनफील्ड के ऊपर। एंड ये क्या हो रहा है, जीसीबी का खुदाई नहीं, ये जीसीबी का खुदाई नहीं, जीसीबी का लिफ्टिंग। अभी तो जाने बोला, चलो जेसीबी का लिफ्टिंग देख लो थोड़ा, जेसीबी का लिफ्टिंग। हाँ तो वीडियो टाइटल यही रखेंगे, ये जेसीबी नहीं है तो ये क्रेन बोल सकते हो, जेसीबी वो रहा नीचे, उसमें तो खुदाई तो नहीं हो रहा है एंड नहीं हो रहा है, जो भी हो चलो। एंड वो मार्केट है ये लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हो। एंड पाटुली में घुस चुका हूँ, इस रोड का क्या नाम है मुझे पता नहीं एंड ये प्रॉपर पाटुली है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।